उधर झुंझुनू के एक और बेटे ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। मलसीसर उपखंड के धाणी बुरकड़ान निवासी नायब सूबेदार देवकरण सिंह ने देश सेवा में अपनी शहादत दी है। आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले मलसीसर से लेकर उनके गांव तक करीब 9 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में शहीद वीरांगना अंजू भी साथ रही। जानकारी के मुताबिक करगिल में तैनात देवकरण सिंह को 13 फरवरी को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। वे करगिल की ऊंची पहाड़ी पर ऑपरेशन रक्षक के तहत ड्यूटी कर रहे थे। सांस लेने की तकलीफ होने पर उन्हें एयरलिफ्ट कर मिलिट्री अस्पताल करगिल लाया गया, जहां पर उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें हाई सेंटर मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर भेजा गया, लेकिन वहां पर रविवार सुबह उनकी शहादत हो गई। आज उनके पार्थिव देह को मलसीसर थाने लाया गया, जहां पर अपने शहीद पति के पार्थिव देह को लेने के लिए ग्रामीण और सैकड़ों युवाओं के साथ वीरांगना अंजू भी पहुंच गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं पुलिस और सेना से आई टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बेस्ट फ्रेंड वो आज इस भारत माता के लिए अमर हो गए। वो भारत माता के पहले लाडो देवी के पुत्र थे, मेरे बाद में थे। ईश्वर इस कठिन समय में इनके परिवार को जो है संबल दे, और इनका जो सर्वोच्च बलिदान है निश्चित तौर पर हमारे आने वाली पीढ़ियों में, युवाओं में एक प्रेरणादायी जीवन इनका रहेगा, और आने वाली पीढ़ी और हमारा युवा वर्ग जो है इनके जीवन से प्रेरणा लेगा और आने वाले समय में देश सेवा के लिए तत्पर हो। देते हुए देश की रक्षा करते हुए कारगिल जैसी ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों पर अपने ड्यूटी के दौरान जो है इन्होंने शहादत दी है, मैं इस शहादत को नमन करता हूँ और झुंझुनू जिले की इस वीर धरा को भी नमन करता हूँ कि जहाँ के सैनिकों ने जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं करते, विषम परिस्थितियों में भी जो है शहादत देकर न केवल झुंझुनू का बल्कि देश का नाम रोशन किया, ये गर्व की बात है।